अब एग्जाम तो यू का आने वाला है एक में. uh, छः से सात महीने में एवरीथिंग विल वॉट एवर इज देयर यू हैव टू वाइंड अप वेरी अर्ली एंड यू हैव टू गो फॉर रिविजन करते रहिए और एवेल्युशन करते रहिए अगर आपको डाउट्स है यहाँ के वहाँ के कहीं के भी डाउट्स है ओके यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन कौन से भी सब्जेक्ट के भी रहो राइट डाउट्स आप पूछ सकते हैं सो so दैट uh, मैं किसी तरीके से आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा ठीक so sure प्रें है सो मेक श्योर दैट आप करंट अफेयर्स पाइलअप मत करिए मेरे साथ ही सुबह उठ के कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद में यू कैन डू योर स्टेटिक वन ओके okay, और पिछले दो साल से करंट अफेयर्स का उतना ज्यादा नहीं था ओके कि ये साल कुछ नहीं होगा लास्ट दो ईयर जो रिमोट प्लेसेस पे रूरल एरियाज में जो स्टूडेंट्स चले गए थे तो उनके लिए न्यूज़पेपर uh, एक्सेसिबिलिटी और ये मटेरियल एक्सेसिबिलिटी और यूट्यूब पे वीडियोस वॉच करना उन डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ये सब नहीं थी सो so, वो वो मद्देनज़र रखते हुए द यू पी एस माइट हैव नॉट आज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू करंट अफेयर्स बिकॉज आप में और वो लोगों में भी कुछ डिफरेंस होना चाहिए डिफरेंस uh, एक्चुअली नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम एवरी शुड बी ऑन द सेम पेडस्टल सबको सेम रिसोर्सेज पे मेरिट uh, पर काम करना है तो तो इसलिए वो नहीं पूछे दो साल बिकॉज ऑफ कोविड पैंडेमिक एक्सेट्रा बट ये साल तो डेफिनेटली आने वाले हैं करंट अफेयर्स सो मेक श्योर दैट आप पहले मत करिए और मेरे साथ ही खत्म कर लीजिए दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है राइट नाउ टूडे लेटस गो एड लेट अस गो अहेड विथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल करंट अफेयर्स इसमें एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का बहुत सारा बहुत अच्छे से एनालाइज होने वाला है फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मॉनेटरी पॉलिसी का रिलेशन ठीक है और एक कॉन्सेप्चअल नॉलेज बिल्डिंग है एडवांस कॉन्सेप्ट है स्कैच टू एडवांस मैं डेफिनेटली बोलूंगा सो एडवांस कॉन्सेप्ट है आपको एक नई चीज़ मिल जाएगी मॉनिटरी पॉलिसी में लिखने के लिए ठीक है फाइन लेट एस गो अहैड विथ आवर डिस्कशन मिशन सागर सो दिस मिशन सागर इज़ दफ कंटिन्यूसली कमिंग यू नो दिस अबाउट ओके क्योंकि अगर कोसी भी कंट्री को कुछ भी प्रॉब्लम है या खाने का प्रॉब्लम है या पानी का प्रॉब्लम है या ड्रिंकिंग वाटर का प्रॉब्लम है या कोविड uh, के वैक्सीनेशन शॉर्ट का प्रॉब्लम है हमारी हम इंडियन इंडिया इज ए द फोर फ्रंट इंडिया हमेशा फोर फ्रंट पर रहती है उनको हेल्प करने के लिए और हम अपने शिप से उनको सप्लाई करते रहते हैं करते रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉट ऑन द बेसिस ऑफ वॉट हमेशा ये याद, ये याद रखिए इंसानियत बोलते ना हम इंसानियत ह्यूमैनिटीज on the basis of ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हम बहुत सारे कंट्रीज़ को छोटे छोटे कंट्रीज़ को आईलैंड कंट्रीज़ को हम हेल्प करते हैं ठीक है सो व्हाट इज़ अ मीनिंग ऑफ वट इज़ द फॉर्म ऑफ मिशन सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन देखो सिक्योरिटी इन्श्योर करना है ओके okay, इसका मतलब है मेरी पानी में ओशन में सिक्योरिटी कोई किसी को हमला नहीं करना है पायरेट्स को कंट्रोल करना है एक्सेट्रा सो एंड सोफोर्ड ये पायरेट्स जो रहते हैं ना छोटे छोटे कंट्रीज़ को वो लोग जाके सताते हैं तो उनको हम हेल्प करना है और वहाँ की सिक्योरिटी इंश्योर करना है कि ऐसा कुछ हो नहीं और ग्रोथ फॉर ऑल रीजन ग्रोथ मीनस सब अच्छे से डेवलप होना है सबके पास प्रोडक्शन होना है सबके पास ट्रेड होना है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते रहना है सब लोगों को जो जो भी सिटीजन है ऑफ डिफरेंट कंट्रीज वो लोगों को सब एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए ओके दैट इज वॉट इज कॉल एड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन फाइव हंड्रेड टर्न ऑफ फूड एड बिन शिफ्ट बाई आई एन एसरी केसरी ये है हमारी आई एन एस केसरी आप ये देख सकते हैं कि ये जो शिप के अंदर से एक दरवाजा खुलेगा दिस काइंड ऑफ शिप्स आर जनरली एज अबाउट लैंडिंग शिप टैंक लैंडिंग शिप टाइम ये शी शोर तक आके ज़मीन तक भी आ जाएंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ से आपको टैंक भी निकलेगी वॉट टैंक एंटी टैंक यू विल, विल फाइंड हियर यहाँ पे आपको एक छोटे छोटे जीप्स भी निकलेंगे यहाँ से और जो भी सप्लाई करना है फूड है खाना है फूड ग्रेन है ओके कोविड पैंडमिक के शॉर्ट्स है ये यह पूरे यहाँ से जाएंगे ठीक है दिस काइंड ऑफ शिप्स आर कॉल एजाउट लैंडिंग शिप टैम ये है आई एन एस केसरी हम रिसेंटली हम किसको दिए मपुतो को यहाँ पे पहुंची देखिए आप यहाँ पे ये यह पैसिफिक अपना इंडियन ओशन है प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट इंडियन ओशन है इसमें सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ पे मराजगार मडाजगार के लेफ्ट साइड आपको एक कंट्री दिखती है दिस इज कॉल्ड एज मोज़म्बिक मोजम्बिक मडाजगार के लेफ्ट साइड मोजम्बिक कंट्री दिख रही है आपको मोजम्बिक में एक पोर्ट है जिसका नाम है मपुतो मपुतो ये अपनी आई एन सी केसरी मपुतो गई है और यहाँ पे फूड एड हम दे रहे हैं मोजम्बिक क्यू मोजम्बिकों गवर्नमेंट को फूड दे रहे हैं वहाँ पे खाना नहीं है वहाँ पे फूड सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे लोग क्यों क्यों लोगों के पास तीन दिन तीन टाइम खाना एक दिन में के लिए नहीं है ठीक है बोले तीन टाइम तो खाते ना दिन में तो वो नहीं है उनके पास स्केट सिटी चल रहा है बहुत परेशान है वो लोग इसलिए ये हम असिस्टेंस कर रहे हैं ऑन द ऑन द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में हम हेल्प कर रहे हैं तो आप ये समझिए कि ये इंडियन ओशन है ओके एंड ये है अपना ओके यहाँ पे एक देखो आप लेक नयासा ये भी याद रखना है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कभी भी मैं अगर मैप रिलेटेड क्वेश्चन अगर करेंट अफेयर्स आएंगे तो मैं प्रॉपरली डिस्कस करूँगा सो दैट्स वाई रिमेंबर दिस पॉइंट यहाँ पे लेक न्यासा है लेक न्यासा रन्स रन्स बिटवीन टू इंपॉर्टेंट कंट्रीज तंजानिया एंड मलावी तनजाना एंड मलावी तनजाना एंड मलावी, एं मलावी तंजानिया एंड मलावी रिमेंबर दिस पॉइंट ईयर ओके और क्या है यहाँ पे और लेक तंज़ानिया मोजम्बिक से भी है मोजम्बिक के तंजानिया कैपिटल है मलावी तंजानिया और मोजम्बिक के बीच में है ये लेक न्यासा तंजानिया और मोजम्बिक के बीच में है लेक न्यासा प्लीज़ डे रिमेंबर दिस पॉइंट तो ये इनके बॉर्डर पे रन कर रही है और वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर इज़ यहाँ पर आप देखें जाम्बिया जाम्बिया भी है तो चलो लेक न्यासा आपको जाम्बिया से भी कनेक्टेड मिलेगी आपको तंजानिया से मुजहबिको सो so ये बहुत इंपॉर्टेंट है द लेक न्यासा इज हैज़ बिन हैज़ बिन सराउंडेड बाय बी वन ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़ सो आपका आंसर होगा जाम्बिया तो आपका आ, एंटी क्लॉक जाएंगे अपन उल्टा जाएंगे ऐसा दिस वे ओके

ओके okay, और मोज्बी की कोस्टल है नीचे साउथ अफ्रीका द टिप ऑफ द केप ऑफ गुड होप केप ऑफ गुड होप आपको मालूम है साउथ अफ्रीका तो यू नो दट ग्रैंड सीरीज द कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीकन टीम क्रिकेट टीम इनकी मशहूर है ठीक है तो जाम्बिया क्या है जाम्बिया एंड जिम्बावे दो है यहाँ पे दो है जो लैंड लॉकट है बस इतना ही याद रख लीजिए कि कितने लॉन्ड है कि ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है जब भी हम पढ़ते हैं स्लोली स्लोली आप पढ़ते रहना आप उसी साथ उस हिसाब से याद भी कर लेते रहिए ओके ऐसा नहीं कि पूरा लेके बैठूंगा फिर पूरा एक एकदम पढ़ूंगा ऐसी की जरूरत नहीं है जब भी आपको जो चीज़ मिलती है प्रॉपरली देख लीजिए और ख़त्म कर दीजिए ठीक है तो तंजानिया यहां पे तंजानिया और मजंबिक्यू और साउथ अफ्रीका ये तीन आ, कोस्टल कोस्टल कंट्रीज है और जाम्बिया एंड लैंड लैंडलॉक्ट है एंड लैंड है है ठीक फाइन ओके सो लेट अस गो एड डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर एस्टेब्लिश बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन लोकेटेड इन ये रिसेंटली इनॉग्रेट करे हैं लखनऊ में ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वन लाइनर क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आएंगे बट स्टिल बट दिस पॉइंट फॉर एनिया एग्जामिनेशन दिस आर इंपॉर्टेंट राइट टू बी फॉर्गटन इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस uh, uh, कर चुका हूं इन लेंथ डिस्कस कर चुका हूं इन डिटेल डिस्कस कर चुका हूं अपने एडिटोरियल सेक्शन में डिस्कस कर चुका हूं सो बेटर इज़ दैट आप मेरे एडिटोरियल वो देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक ऑफ दैट राइट टू बी फॉरगॉटन ओके जो एडिटोरियल है सो so दैट आपको ईज हो जाएगा कि ये राइट टू बी फॉरगटन क्या है पहली बात मैं आपको एक ब्रीफ बोल दूंगा राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब है अगर मेरी कुछ वीडियो अगर मेरी कुछ वीडियो ट्विटर पे अगर मैं डाला या फेसबुक पे अगर मैं डाला ओके okay, अगर मुझे उसे हटाना अगर मुझे उसे हटाना है तो मैं तो मेरे पास हटा लूंगा बट आप लोग जो उसको वायरल करें हैं वो कौन हटाएंगे ठीक तो है हटा 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 तो मुझे चाहिए कि मेरा ये वीडियो कोई ट्विटर पर नहीं चलना चाहिए फेसबुक पर नहीं चलना चाहिए इंस्टा पे ये नहीं चाहिए तो मैं जाऊँगा कोर्ट को कोर्ट से ऑर्डर लूंगा ऑर्डर लो मैं ट्विटर को भेजूंगा या फेसबुक को भेजूंगा सर देखिए ये वीडियो आप हटा दो तो आप लोग उसके बाद में ट्विटर फेसबुक वो गवर्नमेंट के ऑर्डर कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से मेरा वो वीडियो हटा देंगे और आप कितना भी वायरल करना चाहो वो वायरल नहीं होगा वो शेयर ही नहीं होगा उसका एक कोडिंग हो जाता है वो शेयर नहीं होगा रिमेंबर दिस पॉइंट ठीक है तो ये राइट टू बी फॉरगॉटन मैं जो नहीं चाह रहा हूं वो नहीं रखना चाहिए ये भी मेरी एक राइट है राइट टू बी फॉरगॉटन पर्टन पर्सन टू सीक डिलीशन ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट यह मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको द हैज फाउंड रिकॉग्निशन इन द सम ज्यूरोन एब्रॉड पर्टिकुलर यूरोपियन यूनियन में इसका बहुत ज्यादा

ये लॉ के थ्रू अपने को राइट नहीं मिली है इट्स नॉट ए लीगल राइट इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशन राइट इन इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल दी है कि कोर्ट को आपकी मर्जी आप जैसा ऑर्डर दे सकते दे लो ओके वी आर नॉट गोइंग टू मेक ए लॉ ऑन एट तो ये हमारे पास लीगल राइट नहीं होती ये right है ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है सो एज ए इट कुड भी इट शुड भी रिकगनाइज एज ए बेसिक ह्यूमन राइट बेसिक ह्यूमन राइट के हिसाब से इसको रिकगनाइज़ करिए अगर किसी को तकलीफ है वो कोर्ट को जाना है और कोर्ट से ऑर्डर uh, ले लेके वो डेटा उनका निकाल देना है इन एरिया ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ओके सो सेंटर Uh, courts in recent months have been held. कोर्ट्स uh, अभी तक जितने भी कोर्ट्स में रिसेंटली uh, बंगाली की एक बंगाली के उन्होंने एक, एक एक्ट्रेस है उन्होंने भी ये ए, एक वीडियो उनका वायरल हुआ था वो नहीं चाह रही थी कि वो वीडियो वहाँ पे रहे तो वो कोर्ट uh, जाके वो वीडियो पूरा डिलीट कर कर लिए हैं फ्रॉम द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सो आपको भी अगर तकलीफ है आप भी जाओ ओके एंड कोर्ट्स एंड आवर हाई कोर्ट्स एंड ऑल दे आर वेरी मच पॉजिटिव विथ रिगार्ड टू दिस राइट टू पर फॉर गॉटन राइट टू फॉर गॉटन को वो महत्व भी दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंस भी दे रहे हैं और दे हैव ऑल रिकॉगनाइज राइट टू बटन एज ए पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी राइट टू प्राइवेसी का ही एक अग है राइट टू फर्गोटन पिटिश अक्रॉस कोर्ट बी सीकिंग एनफोर्समेंट ऑफ दिस राइट ए लीगल प्रिंसिपल इज नॉ यट बैग्ड बाई द स्टैच्यू इन इंडिया सो इट इज नॉट बैग बाई दू इन इंडिया मीन्स एक भी लॉ नहीं बना हुआ है कि अपने राइट लास्ट से नहीं मिलेंगी ना तो कॉन्स्टिट्यूशन मिलेंगी आप कोर्ट के पास जाइए और अपना रेमेडी ले लीजिए सो ये मिल जाएगा और कोर्ट आजकल पॉजिटिव भी है अच्छे मूड में है आपको दे देंगे ओके okay, ये होगा अपना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ये देखो ये इतना ब्यूटीफुल टेलीस्कोप है ये देखो यूनिवर्स में है ओके okay, ये स्पेस में है ओके एनीथिंग अबाउट दिंग अबाउट अर्थ ओके दैट इज ऑल स्पेस सो ये है टेलीस्कोप टेलीस्कोप आप समझ सकते हैं ये है दूरबीन दूरबीन दूर के चीजें देखने के लिए ओके okay, बीन बीन होता ना भाई बीन इज नथिंग बट आई मोतिया बीन बोलते ना मोतिया बीन लाइक like दैट तो मीन क्या है आई है दूर बहुत दूर का देखना है टेलीस्कोप ओके okay, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप का एक पुराना भाई था भाई का नाम था हब्बल टेलीस्कोप ये बहुत पुराना तीस साल पुराना था इसके में अंदरज के इंस्ट्रूमेंट्स उतने अभी तक एप्सोलेट हो गए थे उतने बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थे तो ये भी है अभी बट ये बहुत पुराना है ये नया वाला लॉन्च करें ओके इट वॉज लॉन्च इन कॉम्बिनेशन विद नासा नासा लिए हैं यूरोपियन एजेंसी की हेल्प और कनाडा कैनेडियन स्पेस एजेंसी तीनों मिलकर ये हब्बल टेलीस्कोप सॉरी जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च करें हैं वेब

उनको यूनिवर्स ग्लिम्सेस मिलेंगे वर्ल्ड को नहीं वर्ल्ड के में जो जितने भी रह रहे हैं, तो ये टेलीस्कोप से वो दुनिया वो यूनिवर्स में देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है ओके हाउ द यूनिवर्स लुक्स लाइक एंड द मूवमेंट ऑफ एस्ट्रॉइड्स कैसे चल रहे हैं आवाज कैसे आ रहे हैं वो सब तारे एक्सेट्रा सब देख सकते हैं आप ओके okay. और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जनरली टेलीस्कोप लॉन्च करते हैं टू ऑब्जर्व सम एक् प्लान एक्जो प्लानेट्स एक ऐसे प्लान होते हैं जो कि हमारे सोलार सिस्टम को बिलोंग नहीं करते हैं ओके जो सोलार सिस्टम हमारा कौन सा है मिल्की वे गैलेक्सी हमारे मिल्की वे गैलेक्सी की हिंदू में हम क्या बोलते हैं आकाश गंगा सो ये हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है देखो ये हमारा गैलेक्सी है यहाँ पे एक सन है ये हमारे नौ प्लानट है यहाँ पे भी एक सन हो सकता है यहाँ पे नौ प्लानट हो सकते हैं यहाँ पे एक सन हो सकता है सो दिस ये पूरी गैलेक्सी को बोलेंगे हम मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे इट इज ऑल्सो कॉल एज वॉट आकाश गंगा तो बेसिकली ये जो टेलीस्कोप होते हैं यह बाहर की दुनिया मैंने बाहर का यूनिवर्स देखने के लिए होते हैं बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जेम्स वेब टेलीस्कोप में ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी इनकॉर्पोरेट किए गए ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी इसमें लगाए हैं जिससे अपन जैसे ये टेलीस्कोप अपने को फिर भी थोड़े बहुत इन्वेस्टिगेशन इट विल डू विथ रिगार्ड टू वॉट लाइफ लाइफ सपोर्टिंग एटमासफियर कहाँ कहाँ पर अपनी जैसा एटमॉसफियर है इंडिया के जैसा ह्यूमिडिटी कहाँ पर इंडिया के जैसा वाटर कंटेंट इन द वेपर कहाँ पर है तो ये अपने पास जैसा एटमोसफियर है कहीं और ऐसा एटमोस्फियर है या नहीं है अगर सेम टू सेम एटमॉसफेयर है तो हम भी जी सकते हैं राइट right तो ये ये, ये टेलीस्कोप में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी लगाए गए हैं जिससे अपने को लाइफ अगर कहीं पे लाइफ uh, रिलेटेड अगर कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस पाए जाएंगे वो भी यह डिटेक्ट करेगा ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर द स्टूडेंट्स तो इसका आप पिक्चर ले लीजिए क्या करते कर लीजिए बट प्लीज डू रिमेंबर दैट ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए ओके okay, ये स्पेस एजेंसी कंट्री उसकी स्पेस एजेंसी उनके लॉन्च व्हीकल्स मेन लॉन्च व्हीकल्स क्या है और उनके हेडक्वार्टर्स क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है देखो भाई यूरोप यूरोप की स्पेस एजेंसी का नाम है ई यूरोपियन स्पेस एजेंसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी यह है 22 कंट्री से इनके मेन मेन लॉन्च व्हीकल से एरियन एंड वेगा और इनका हेडक्वार्टर है फ्रांस पेरिस यूएसए यू नो दैट स्पेस एजेंसी इनकी नासा है इनके जो लॉन्च व्हीकल्स है उनका नाम है अटलस डेल्टा फैलकॉन एंड रशिया का स्पेस एजेंसी का नाम है लॉन्च वहीकिल है सोयोस प्रोटोन एंड कॉस्मोस और इनका क्वार्टर देखो कजाकिस्तान है रिमेंबर दिस पॉइंट रशिया का रशिया uh, का स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कजाकिस्तान में है ना कि मॉस्को में है इनके कैपिटल सिटी में नहीं है ये कजाकिस्तान में दिल्ड एलआई इन द यू एस एस ओके चाइना का है सी एन एस इनकी एक ही चल रही है अभी लॉन्च हो गया लॉन्ग मार्च इससे ही ज़्यादा करते हैं वो और इनकी कैपिटल सिटी में है बीजिंग जापान का स्पेस uh, एजेंसी का नाम है ये जग्ज़ा यहाँ पे पर दिया सो डोंट माइंड फॉर दैट जग्ज़ा है और इनके जो लॉन्च हो जापान के हेच हैच लेवन हेच एम यू लामडा एप्सिलॉन ये आ इनका, इनका स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर है टोक्यो में इंडिया okay, का यू नो दैट इसरो स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया एंड वी जनरली यूजेस पी एस एल वी एंड जी एस एल वी और अपनी स्पेस एजेंसी हेडक्वार्ट इसरो का हेडक्वार्ट बेंगलुरु में वेरी 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 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्लीज डो रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन ओके फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्सेज मॉनिटरी पॉलिसी फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है ओके okay, ब्रिंगिंग uh, bringing those people those people who have who have no no accessibility to banking services banking services bringing those people into banking services into banking services which have no accessibility to banking services okay so nothing but nothing but you can also say that opening of opening of बैंक अकाउंट ओके एंड प्रोवाइडिंग एंड प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेस बैंकिंग सर्विसेस टू दिन बैंकड टू दिन बैंकड पॉपुलेशन जिसके जिसके पास बैंक uh, अकाउंटिंग है उनके बैंक अकाउंट खोलना उनके लिए बैंक अकाउंट खोलना फॉर द पर्पज ऑलरेडी बीजेपी गवर्नमेंट है इस कम दे हैव um, लॉन्च स्कीम कॉलेज जनधन योजना जनधन योजना यहाँ बहुत सारे लोगों के अकाउंट आठ करोड़ अकाउंट खोले गए थे एक ही दिन में सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट द मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन का डेफिनेशन क्या है ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज बैंकिंग सर्विसेज का मतलब है एक्सेप्ट डिपॉजिट डिपॉजिट सर्विसेज देना ये लोगों को ओके लोन सर्विसेज देना ये लोगों को ओके ट्रांसफर पेमेंट्स किसी को पैसे भेज सकते हैं और सर्विसे देना दिस आर ऑल कम अंडर वॉट बैंकिंग सर्विसेज डियर स्टूडेंट डी डी चेकबुक ए कार्ड ये पूरे बैंकिंग सर्विस में आते हैं और दिस आर ऑल कॉलेज वट कोर बैंकिंग सर्विसेज is व्हाट कोर बैंकिंग सर्विस बोलते मेजर बैंक अगर सर्विसेज दे रहा है तो इसमें सबसे पूरे सर्विसेज में ये सब ये इंपॉर्टेंट सर्विस है क्योंकि बैंक ओवर फैसिलिटी भी देता बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट भी देता बैंक बिल ऑफ एक्शन भी देता ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ओके okay, वो सब उतने इंपॉर्टेंट है बट ये जो है ओके okay, डिपोजिट uh, लेना लोन्स ले, देना और ट्रांसफर पेमेंट अपन किसी को पैसे भेज सकते तो वो अपने को फैसिलिटी देना इंटरनेट बैंकिंग देना ठीक है और ये ये जो भी है डी चेक ए कार्ड एक्सेट्रा ये

ओके, टू स्टेबलाइज वट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ही एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ आर बी आई इज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन थ्रू पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है इन अवर कंट्री फ्रॉम दी आर बी आई साइड फ्रॉम इवन गांस इट थ्रू फिजिकल पॉलिसी बट हम अभी वो नहीं पढ़ रहे हैं बट फ्रॉम आर बी आई साइड मॉनेटरी पॉलिसी ये जो मनी सप्लाई है अपने हाथ में जितना पैसा है अगर मेरे हाथ में हजार रुपए रहे तो मैं हज़ार रुपए तो खर्च करूंगा अगर मेरे हाथ में पांच सौ रुपए तो मैं पांच सौ रुपए खर्च करूंगा देखो इकनॉमी में एनी इंडिविजल कंसिडर एस रैशनल रैशनल का मतलब है अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप ज्यादा खरीदेंगे ज्यादा खर्च करेंगे आप कब नहीं करेंगे दिस इज ए नॉर्मल नॉर्मल पर्सन इन द इकोनॉमी अगर आप इससे हटके हैं तो आप एक्चुअली में हटके हैं ओके अंडरस्टू माई पॉइंट तो एक्चुअली में आप हटके ऐसे लोगों को इकोनॉमी केयर नहीं करता ओके okay.

दे सकते हो बोल के जीरो डाउन पेमेंट कार चलो भाई कार खरीदने के लिए मुझे नौ लाख की कार खरीदने के लिए मिनिमम एक लाख का डाउन पेमेंट करना पड़ता नहीं पड़ता मार्जिन मनी देना पड़ता मुझे मिनिमम एक लाख रुपए देना पड़ता नौ लाख का एस बी आई एस बी आई लो इट विल गिव बट एक लाख तो मुझे देना है तो मैं वैसे भी एक लाख में नहीं कमा सकता ओके okay, मैं तो छोटा मोटा हूँ तो नहीं कमा सकता तो एक लाख मैं कहाँ से दूँ नहीं दे सकता तो बट अगर आर बी आई स्कीम लेके आई जीरो डाउन पेमेंट तो मैं तो भागूंगा आप भी भागोगे सब भागेंगे सो जाके अपन पूरे ले लेंगे सो कार की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी नहीं बढ़े कार की सप्लाई बढ़ जाएगी ओके okay, तो ऑब्वियसली सॉरी कार की कार का कार का डिमांड बढ़ जाएगा कार का डिमांड बढ़ते ही कार वाला क्या करेगा अरे भाई चलो मेरे पास ज्यादा कस्टमर्स आ रहे मेरे मेरे प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो मैं बढ़ा दूंगा मेरी काम है देखो भाई जब कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट होते ना तो वो चालीस पचास हजार में देते ठीक है उसके बाद में स्टोरी स्टोरी सोरी सत्तर अस्सी एक लाख डेढ़ लाख दो लाख दो लाख तक चले गए आपके तो क्यों हुआ ये ये सिस्टम क्यों हुआ क्योंकि आपके प्रोडक्ट का आपकी क्वालिटी का आप जिस तरीके से कोचिंग देते हैं जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं वो डिमांड में है वो डिमांड में है द मोमेंट आप डिमांड

बैंक को ये बोलेंगे कि डाउन पेमेंट एक लाख नहीं दो लाख रखो इंटरेस्ट रेट पंद्रह परसेंट दो तो इस तरीके से क्या हो गया ना आप जाएंगे ना मैं जाऊंगा भाई उसको पैसा लगाना पड़ता क्या करने का ए, लाइट ले लो ठीक है गॉट पॉइंट यस अभी RBA क्या बोल रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं रहने की वजह से मॉनिटरी पॉलिसी में हम जो जो भी चेंजेस कर रहे हैं उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है फाइनेंशियल इंक्लूजन ओके समझो फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है देखो दस लोग हैं ओके okay. एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस दस लोग पांच लोगों के पास बैंक अकाउंट है पांच लोगों के पास नहीं है जो ये पांच लोगों के पास नहीं है ना ये लोग क्या करे खा रहे खा रहे खा रहे ओके इनकी कंजम्पशन बढ़ रही है और ये लोग के पास है ना इनो ये थोड़ा खा रहे हैं थोड़ा सेव कर रहे हैं इन द बैंक में जब ये बैंक में सेव करेंगे यहां से लोन जाएगा यहां से लोन जाएगा यहां पे इन्वेस्टमेंट आएगा इन्वेस्टमेंट आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से सप्लाई भी बढ़ेगी सो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा ये एक साइकिल चलेगी ठीक है बट यहां पे लोगों के पास फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं रहने की वजह से ये लोग कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं ओके अगर कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली ये डिमांड बढ़ा रहे हैं डिमांड बढ़ा रहे हैं हो रहा है। और इट इज नॉट एबल टू नॉट एबल एबल टू इक्वल द डिमांड एंड इतनी सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन्फ्लेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन्फ्लेशन हो रहा है तो आप समझिए ये और एक बार देखिए समझ में आया जाता आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना इंपॉर्टेंट है अगर समझो ये पूरों के पास अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन है सबके पास बैंक अकाउंट है यहां से आठ से तो ये क्या करेंगे चलो भाई ये पांच लोग भी पूरा नहीं खर्चा करेंगे ये इन ये लोग क्या करेंगे अगर इनके पास अकाउंट में दस हजार रुपये है तो ये लोग क्या करेंगे आठ सौ रुपये रखेंगे दो सौ का ही कंजम्पशन करेंगे दो सौ डिमांड ये स्टेबल रखेंगे और ये जो आठ है आठ ये ऐसा फिर के ओके okay, लोन जाएगा इन्वेस्टमेंट जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ सप्लाई बढ़ेगी तो अपने पास सप्लाई ज्यादा होगी और प्राइसेस ऑटोमेटिकली डिक्रीज होंगे राइट सो फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है बोल के आरबीआई बोली क्योंकि आग वो लोग जो भी मॉनिटरी पॉलिसी से रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो भी चेंज कर रहे हैं उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है कि शॉर्ट टर्म में कंट्रोल नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है बिकॉज फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं रहने की वजह से फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं रहने की वजह से रिमेंबर दिस पॉइंट देखो फाइनेंशियली इंक्लूडेड इकोनॉमिक एजेंट्स Appear to be able, ably, uh, able to ride out interest rate cycles pro cyclically instead of being impacted counter cyclically. They go interest rate come hona. कम होना बोल तो फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा रहना ज़्यादा ज्यादा लोग क्या बोलते हैं बैंक अकाउंट रहना चाहिए सो तो वहां पे सेव करेंगे तो बैंक के पास पैसे ज्यादा रहते पैसे ज्यादा रहे तो इंटरेस्ट रेट वो कम करेंगे उसका एक प्रोसेस है कभी फुर्सत में मिला तो बोलूंगा मैं वो क्यों होता है बट अभी याद रखो कि बैंक के पास अगर पैसे ज्यादा रहे तो इंटरेस्ट रेट जनरली कम होता है इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो आपके जैसे लोग मेरे जैसे लोग जल्दी जल्दी जाकर लैपटॉप खरीदेंगे ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे ठीक है तो एक्चुअली फाइनेंशियली इंक्लूडेड रहा तो हम क्या करेंगे इंटरेस्ट रेट को ड्राइव करके हम एक प्रो साइकिल में अच्छी साइकिल में बट ऐसे नहीं हो रहा है ऐसा नहीं होकर क्या हो रहा है हम उल्टा इफेक्ट हो रहे हैं काउंटर साइकिल हो रही है उल्टा इफेक्ट हो रहे हैं हम उल्टा सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ये इन्फ्लेशन हो रहा है लोअर कंज़म्पशन वोलेटिलिटी लोअर कंजम्पशन वॉलेटिलिटी अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं है आप कंजम्पशन की वॉलेटालिटी आपकी लोअर है कम ज्यादा कम ज्यादा कभी कम खाएंगे कभी ज्यादा खाएंगे सो so अगर आप फाइनेंशियली इंक्लूजन है आपके पास पैसे बैंक अकाउंट में आप प्रॉपरली उसको यूज करेंगे इन इकोनॉमी विथ फाइनेंशियली एक्सक्लूडेड कस्टमर्स मॉनिटरी पॉलिसी हैज टू असाइन ग्रेटर वेस्ट टू दिस स्टेबलाइज आउटपुट के okay. अगर कोई इकोनॉमी में इंडिया की जैसे इकोनॉमी जिसके पास ज्यादा ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो वहां पे मॉनिटरी पॉलिसी का इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाता है और आदमी यही बोल रही है कि अगर एक इकोनॉमी में इतने लोग फाइनेंशियली है है जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं मॉनिटरी पॉलिसी कम्स टू तो दिन एस मे मेन टूल टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड टू स्टेबलाइज वट आउटपुट बट सप्लाई बढ़ाने के लिए सप्लाई बढ़ाने के लिए ओके इन डिमांड को सप्लाई बढ़ाने के लिए दट इज वॉट इज कॉल्ड एज आउटपुट सप्लाई बढ़ाना इज समथिंग बट आउटपुट बढ़ाना सो दैट जो भी डिमांड है उसको इक्वल करना

एक्सक्लूडेड so, है तो हमारी पॉलिसी और वो फाइनेंशियल इंक्लूजन दो मिलके ना तो इन्फ्लेशन होता था ना तो इकोनॉमिक ग्रोथ इतना स्लो चलता था दो भी डेवलप होते थे दैट इज वॉट मॉनिटरी पॉलिसी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन का रिलेशन है ओके फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स बच इज ऑल्सो कॉल्ड एफ आई इंडेक्स इट इज रिलीज बाई आर बी आई ये कॉम्प्रेंसिविविविविव इंडेक्स है मतलब है एक एक दो पैरामीटर कवर नहीं करेगा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के हर पैरामीटर कवर करेगा लाइक बैंकिंग ओके इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस पोस्टल और पेंशन सेक्टर सो ऑब्वियसली कितने लोग पेंशन में कितने लोग बैंकिंग में कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कितने लोगों के पास इंश्योरेंस है कितने लोगों के पोस्टल सर्विसेज एक्सेसिबिलिटी है तो ये प्रॉपरली प्रॉपरली इंक्लूड प्रॉपर्ली हर तरीके से एक इंसान को कॉम्प्रेंसिवली uh, कवर करेगा इन ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ आउट डीलिंग विथ मनी मनी रिलेटेड एस्पेक्ट्स में ये इंडेक्स का स्कोर है ज़ीरो टू हंड्रेड की स्केल है जीरो मीन्स वर्स एंड हंड्रेड मीन्स परफेक्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन जीरो मीन्स कंप्लीट फाइनेंशियल एक्सक्लूजन नथिंग बट वर्ड्स अगर जीरो से अगर आप हंड्रेड के पास गए तो ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन परफेक्ट ओके okay, ये पूरे फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में 97 सेवन इंडिकेटर्स है एंड दे आर कैटेगराइज इंटू थ्री बॉर्ड पैरामीटर्स एक है ईज ऑफ एक्सेस कितनी ईजिली अपन बैंकिंग सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं जितनी नजदीक ब्रांच होगा उतनी अपन ईजिली एक्सेस करेंगे राइट एर रॉन्ग रूरल एरिया में देखा जाता है पांच किलोमीटर दस किलोमीटर तक आपको एक बैंक होता नहीं जब ईज ऑफ एक्सेस नहीं है तो क्यों खोलेंगे बैंक अकाउंट राइट एर रॉन्ग सो ईज ऑफ एक्सेस बहुत जरूरी है नजदीक रहना चाहिए बैंक सो दैट पीपल कैन ओपन ए बैंक अकाउंट अवेलेबिलिटी एंड यूसेज ऑफ सर्विस

ओके ए यूनिक फीचर इन द क्वालिटी पैरामीटर इज क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन आर रिफ्लेक्टेड बाय कितने लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी है कितने लोगों को इंश्योरेंस का मतलब क्या है इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए कितने लोगों को पेंशन का मतलब क्या है प्रीमियम का मतलब क्या है ओके okay, शेयर्स किसको बोलते हैं बॉन्ड्स किसको बोलते हैं ओके स्कीम्स और बोर्ड गोल्ड बॉन्ड स्कीम्स किसको बोलते हैं पैसे विद्रॉ um, कैसा करना है चेक पे साइन कैसा करना है डी डी कैसा बनाना है एक्सेट्रा दिस इज एज अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी दिस इज कॉलेज अगर एन इंडिविजुअल हु इज हैविंग द नॉलेज ऑफ ऑल दिस इज एज फाइनेंशियल

इज़ कॉल्ड एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर प्रोटेक्शन में और एक भी चीज आती है डेटा मेरा डेटा किसी को लीक होना नहीं चाहिए और मैं कितना कमा रहा हूँ कितना मेरा इनकमिंग है आउट गोइंग है ये किसी को लीक होना नहीं चाहिए ये सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए दिस सीक्रेसी हैव टू बी मेंटेन, ठीक है एंड इन्हीं क्वालिटीज़ एंड डिफिशियंसी इन सर्विसेज ओके इन्हीं क्वालिटीज़ का मतलब है एक बैंक दूसरे बैंक से सर्विसेज okay, कितने अच्छे दे रहा है और कितना अनइक्वल दे रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है डेफिशियसी इन सर्विसेज और कस्टमर्स को जो जो सर्विसेज चाहिए कस्टमर व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज कस्टमर वांट्स वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही है बैंक दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट और कितनी डेफिशिएंट है ओके okay, कितनी डेफिशिएंट है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ओके और ये इंडेक्स में विदाउट एनी बेस ईयर विदाउट एनी बेस ईयर इसका मतलब है कि दो uh, हज़ार में फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना था ओके दो हजार में फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना था तो ये एक इसको बोलते हैं बेस ईयर इससे इसको कंपेयर करते हैं फिर 2022 में ओके okay, फिर देखते हैं इससे ऐसे कंपेयर कर रहे हैं 2023 में फिर देखते हैं ऐसा तो दिस इज़ कॉल एज ईयर मगर ये इंडेक्स है विदाउट बेस ईयर क्योंकि यहाँ पे एवरी ईयर जितने भी ज़्यादा लोग इंक्लूड होते हैं वो नंबर में काउंट कर लिए जाते हैं 2021 में चलो भाई आ, 70 मिलियन इंडियंस हैव इंडियंस आर इंक्लूडेड इन और हैविंग वॉट और हैविंग बैंक अकाउंट्स और दे आर फाइनेंशियली इंक्लूडेड और दो में ये सेवेंटी जाके एटी मिलियन हो गया तो ओके ऐसा तो एज ए नंबर वाइज हम देख लेते हैं बट एक बेस ईयर नहीं है ओके नाउ वी आर आवेंगे रीमैम डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम ओके रीमैम डिस्ट्रीब्यूशन आप याद रख लो कि टी एस जेन को टी एस जेन को ये है हमारी तेलंगाना स्टेट जनरेशन कंपनी पावर जनरेशन कंपनी ये देगी जनरेट करके पावर देगी टी एस डिस्को को देगी टी एस डिस्को ओके और टी एस ट्रांसको टी एस ट्रांसको ओके ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन टी एस ट्रांसमो देन ये देंगे टी एस डिस्को डिस्कॉम ओके डिस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन सी मीन्स सी ओ मीन्स कंपनीज तो पहले जनरेट होगा पावर जनरेट होगा पावर जनरेट होने के बाद में अपने घर के पास बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होते हैं ना आपके एरिया में एक इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होगा ऐसा ओके ऑल दिस वायर्स एक्सेट्रा है फिर यहाँ से आपके घर तक आएगा राइट और रॉन्ग यस तो आपको कंप्लेंट करना है तो यहाँ पर जाते आप यूजली राइट right? तो ये हो गया जनरेशन कंपनी जो जनरेट करेगी इलेक्ट्रिसिटी ओके ये होगी ट्रांसमिशन ये जो ग्रिड वाले होते हैं और अपने घर के पास टी एस डिसको जो डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन uh, कंपनीज होते हैं जो, okay, जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं कॉपर वायरस लगा के अपने घर में अपने घर में दे विल गिव इलेक्ट्रिक वायर वो रखते हैं ओके okay, और दे विल गिव सप्लाई और हम उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं ओके okay, और रिमेंबर ये डिस्को है ना तेलंगाना स्टेट और और उत्तराखंड स्टेट रहो या दिल्ली स्टेट रहो कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन तो कंपनीज जनरली प्राइवेटाइज होते हैं मीन्स आप और मई हम दोनों भी खरीद सकते हैं ओके okay. हम भी ये ब्रिडिंग करके हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं कि चलो हम भी एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हम स्टार्ट करते हैं तो आपको भी लाइसेंस दिया जाएगा तो आप वो आपका ग्रिड बनाना ग्रिड बना के फिर हर हर गली में खंबे लगाना खंबे लगा के वह लगाना वह लगा के ट्रांसफार्मर लगाना ट्रांसफार्मर लगा के आप इलेक्ट्रिसिटी आप भी सप्लाई कर सकते हैं दैट्स नॉट इशू तो ठीक है तो जेन हो गया ट्रांसपोर्ट को हो गया डिस्को हो गया ये डिस्कॉम कंपनीज है ना डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो लास्ट एंड ऑफ पावर जनरेशन पावर का पावर रिलेटेड में में है ना ये 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 लोग बहुत सारे लॉसेस जा रहे बात-बात आना ये आना ये सुनामी आना डिजास्टर सुनामी फिर बच्चे वो वो पतंग निकालने के वजह से उनके तोड़ देना तो इसे से क्या हो रहा रिपेयर कर कर थक जा रहे हैं उनके लॉसेस बहुत आ रहे हैं ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया

ओके मॉडर्नाइजेशन इंप्रूवमेंट ऑफ रिलायबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ सप्लाई टू दी एंड कंज्यूमर्स अपने को सप्लाई आना अनप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं क्या बोलते हैं अपन अनप्टेड पावर सप्लाई इसका मतलब है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन अपने को ईज ऑफ सप्लाई होनी चाहिए ट्वेंटी फोर इंटू सेवन ईज ऑफ सप्लाई और सप्लाई कंटिन्यूस सप्लाई होनी चाहिए दिस इज कॉल इजाउट अन इंटरप्टेड पावर सप्लाई सो विद हेल्प ऑफ दिस स्कीम गवर्नमेंट वॉन्टेड टू एश्योर दैट कि हम सबको रिलायबल रिलायबल का मतलब है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन कंटिन्यूस आना ऐसा नहीं कि चार घंटे आई चार घंटे नहीं चर्खंते आई चार घंटे आई चार घंटे नहीं इस तरह के अनर रिलायबल पावर सप्लाई है ऐसा नहीं रिलायबल आना है ट्वेंटी फोर इंटू सेवन आना है क्वालिटी आना है क्वालिटी का मतलब है कि वोल्टेज कम ज्यादा कम ज्यादा नहीं होना चाहिए वोल्टेज एक सीधा, सीधा रहना चाहिए वोल्टेज एक सीधा रहना चाहिए सो दैट अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छे रहे ठीक है सो so, ये स्कीम इज

अगर आपके ट्रांसमिशन आपके घर के पास इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से लेके ट्रांसफार्मर से लेके आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही ना ये है ये है ग्रिड कनेक्टेड ग्रिड कनेक्टेड अगर आप चलो आपका सोलार गीजर है समझो गीजर घर का आपका सोलार पे चल रहा है तो अगर ये इलेक्ट्रिसिटी घर में रहो या नहीं रहो आपका गीजर तो आप ऑन कर सकते नहीं कर सकते तो ये हो गया वॉट अनकनेक्टेड ग्रिड ग्रिड से कनेक्ट नहीं है ये इलेक्ट्रिक ग्रिड से कनेक्ट नहीं है ये स्टैंड अलोन है क्या है ये स्टैंड अलोन खुद के खुद ठहरे हुआ है खुद का खुद एनर्जी प्रोसेस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस कर सकता है तो यही बोल रहे हैं कंपोनेंट ए में ओके okay, डिसेंट्रलाइज आना चाहिए ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स ऑन बैरल लाइन कॉम्पोनेंट बी में ओके अग्रीकल्चर पम्प्स सोलार अग्रीकल्चर पम्प्स आप ये देखिए ये जो अंदर से नीचे ज़मीन से जो पानी आ रहा है ये पानी इलेक्ट्रिसिटी से ये अपने घर के जो इलेक्ट्रिक वायर है ना वो वायर से ये पंप नहीं चल रहा है ये आप देखिए सोलार पैनल्स लगे हुए हैं यहाँ पर ये सोलार एनर्जी से यहाँ से पंप यहाँ से ये बोरवेल चल रही है और पानी निकल रहा है सो फार इंस्टॉशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलार अग्रीकल चर पंप्स कॉम्पोनेंट सी है फॉर सोलराइजेशन ऑफ टेन लैक ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप्स ओके जो जो भी पंप्स जो जो भी पंप्स है फार्मर्स के जो भी अभी ग्रिड कनेक्टेड है ट्रेडिशनल ग्रिड कनेक्टेड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है उनको सोलार वाले बना देना है ओके okay, पहली बात तो नए लगाओ और पुराने वालों को चेंज कर दो इन द सोलार चेंज कर दो इन द सोलार ओके okay, सो so ये पूरे मिला के थ्री इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ कुसुम स्कीम है आई होप दैट यू अंडस्टूड एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख देना और कुसुम का फुल फॉर्म फुलफॉर्मी लिख देना कुछ ना कुछ करना आपको जरूरी है सो so दैट अपने में एक इंटरेक्शन रहता एक कनेक्शन रहता सो डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन इन एनी अदर डाउट्स एंड मेक श्योर दैट आप मेरे साथ करंट अफेयर्स और रिटोरियल डेली कर रहे हैं थैंक्स लॉर्ड बाय बाय टेक केयर